दरख्त लगाएं अपने मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तान में एक और बहुत अच्छा पोटेंशियल मौजूद है जिस तरफ हुकूमत का ध्यान भी है, लेकिन हुकूमत शायद और चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाती है तो वो फिर कई नारा पीछे चला जाता है, 10 बिलियन ट्रीज। अगर इस चीज़ को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, हमारे किसान भाई दोस्त अहबाब जो गांव में रहते हैं वो अगर अपने खेतों में, खेतों के किनारे, नालियों और रजबाओं के किनारे, जहाँ जहाँ पे उनकी ज़मीन में दरख्त लग सकते हैं अगर लगा लें, तो ये उनकी इनकम में भी इजाफ़ा होगा और कौमी दौलत में भी इजाफ़ा होगा और इससे एनवायरनमेंट भी बेहतर होगी, बीमारियां और जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी बेहतरी आएगी। तो ये इस तरह का है कि मैं तो कहता हूं कि जब किसी के हाँ एक बच्चा पैदा हो तो उस साल के बाद हर साल उस काश्तकार को कम से कम 10 दरख्त हर साल लगाने चाहिए, ताकि जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासों में जाता जाए तो जो दरख्त शुरू में पहले साल में लगाए थे वो 9वीं क्लास में शायद बेचने के काबिल हो जाएं, तो उस साल बेचें और उसकी फीसें दें, और जो अगले साल लगाए थे वो 10वीं क्लास की फीसें हो जाएंगी, और जो उसके बाद लगाए तो उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के वो जो 10-10 दरख्त 10-12 साल तक लगाए, 100-125 दरख्तों से इतने पैसे आ जाएंगे कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में ही सही, लेकिन उनका बच्चा इंशाल्लाह ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ सकता है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैं खुद दरख्त लगा के मैंने देखे हैं और मैं उस पर अमल पैरा हूँ, और मैं आपको ये ज़ाती तजुर्बे से बता रहा हूँ कि दरख्त फसल का उतना नुकसान नहीं करते जितना सोचा जाता है, और उनसे जो आमदनी आती है वो एक तरह की आपकी फोर्स सेविंग है। जहाँ पे इनकम कम होती है वहाँ पे फोर्स सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है, घर में पैसे पड़े हों तो किसी न किसी चीज़ में लग जाते हैं, तो दरख्त तो प्री मेच्योर नहीं काटा जा सकता। तो अगर आप इस चीज़ पे ख़ास तौर पे गांव के लोग इस चीज़ पे तवज्जो दें तो उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और ये मुल्क की भी खिदमत होगी, ये इन्वायरमेंट की भी खिदमत होगी। तो एक तरीके से गांव वाले अपनी खिदमत तो कर रहे होंगे, साथ में शहर वालों की भी इन्वायरमेंट बेहतर करके खिदमत कर रहे होंगे। तो ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो आज के प्लान में शामिल थी, तो वो सारी हो गई हैं। इंशाल्लाह इनमें से हर एक टॉपिक एक पूरा प्रोग्राम चाहता है, तो अगले दिनों में इंशाल्लाह उस पर एक एक करके हम मुख्तलिफ मौजूआत को उठाएंगे और उनमें थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे, और उसमें किस लेवल पे क्या किया जा सकता है, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, उस पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।